उत्तर प्रदेश के प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग में स्थित करनावा गांव के निकट शनिवार की शाम बेकाबू कार पहले डिवाइडर से टकराई और फिर सीसीटीवी लगे बिजली के पोल से जा भिड़ी। कार में सवार सूबेदार मेजर और उनकी पत्नी की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक रीवा जिले के मनगवा थाना के अंतर्गत गांव के रहने वाले हैं, जो ड्यूटी करके अपने गृह गांव लौट रहे थे। मिली जानकारी के अनुसार टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। पिछला बाया टायर फटने से कार अनियंत्रित हुई। सूचना पर पुलिस ने पहुंचकर सूबेदार और उनकी पत्नी को कार से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने घटना की जांच की है और शवों को कब्जे में लिया है। मृतक हनुमान दीन शर्मा शाम को अपनी पत्नी सुभद्रा शर्मा के साथ बाराबांकी से अपने घर वापस बलाई टोला रीवा कार से आ रहे थे। हनुमान दीन शर्मा सेना में सूबेदार मेजर थे और उनकी तैनाती इस समय बाराबांकी में थी। हनुमान दीन शर्मा कार खुद चला रहे थे। वो जैसे ही करनावा गांव के पास पावर स्टेशन के करीब पहुंचे, अचानक उनकी कार का संतुलन बिगड़ गया और कार डिवाइडर से टकराने के बाद सीसीटीवी लगे खंभे से जा भिड़ी। इस हादसे में पति पत्नी दोनों की ही घटनास्थल पर मौत हो गई, जबकि कार के परखच्चे उड़ गए। बताया जा रहा है कि कार का पिछला बाया टायर फटने से कार अनियंत्रित हुई और यह हादसा हुआ है। वहीं कार्यवाहक थानेदार जिब्राइल अहमद का कहना है कि टायर फटने के कारण कार अनियंत्रित होकर पहले तो डिवाइडर से टकराई और फिर पोल से जा टकराई। इसमें सूबेदार की पत्नी और उनकी मौत हो गई है। मृतक के परिजनों और उनके कार्यालय के अधिकारियों को घटना की सूचना दी गई है। उनके बड़े भाई रामदीन शर्मा और उनके परिजन लखनऊ पहुंचे थे। सोमवार को ग्राम बलाई टोला गंगेव में सम्मान सहित पूरी बटालियन के साथ पार्थिव शरीर ले जाकर पहुंचे, जहां सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। वहीं पति और पत्नी का एक साथ हुए अंतिम संस्कार को जिसने भी देखा उसके आंसू छलक पड़े। लोकसभा प्रत्याशी रहे सिद्धार्थ तिवारी ने परिवार को आर्थिक मदद की मांग की है। इसके बारे में आप कुछ कहने वाले सिद्धार्थ जी क्या कहेंगे? जैसे मतलब यहाँ पहुँचे डीएम साहब निकल गए, उनकी जानकारी थी और अर्जेंट में निकल गए। ये बहुत दुखद घटना है, न केवल शहीद बल्कि शहीद की धर्म पत्नी भी उनके साथ दिवंगत हुई है। ड्यूटी में काबिज थे, ड्यूटी करके ही वापस आ रहे थे, तब ये दुर्घटना हुई। दो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके, परिवार उन्हीं के ऊपर आश्रित था। देश के लिए अपना पूरा जीवन जिन्होंने दिया, मेरी सरकार से ये मांग है कि कम से कम शिवराज सिंह चौहान जी रीवा और विंध्य के इस लाडले के लिए 1 करोड़ की घोषणा करें और 1 महीने के अंदर उनके परिवार को, उनके बच्चों को ये राशि दें।